जंगीपुर केंद्र का एमपी तथा भारत का पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने इसका उद्घाटन किया था 2008 साल में। पाल शासन काल में मोहिपाल देव ने इसका खोदाई किया था। ब्रिटिश समय काल से सागरदीघी में ये रेलवे स्टेशन है। अभी ये भाई को भी सपोर्ट करो। इसके अलावा सागरदीघी में 3 पॉपुलर हाई स्कूल है सागरदीघी फील्ड, वहाँ मार्शल आर्ट सिखा रहा है। और ये देखो मिडिल पॉइंट में एक मंदिर है, वो पानी कम होने के बाद ही देखा जाता है। हेलो डियर माय यूट्यूब फैमिली, तुम सब कैसे हो? मैं गुलाम अहमद और गुलाम अहमद टूरिज्म चैनल पर सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। गाइज आज मैं सागरदीघी एक्सप्लोर करूंगा, मैं सागरदीघी घूमूंगा। सागरदीघी में कौन कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज मैं वही बात करूंगा, वही आज इस वीडियो का आज का टॉपिक है। यहां से ज़्यादा दूर नहीं है, यहां से 3 किलोमीटर है, चलो लेट्स गो। तो चलो चलते हैं, अभी मैं साइकिल में चढ़ के जाना होगा हमें, तो चलो लेट्स गो। सागरदीघी एक छोटा शहर है जो भारत की पश्चिम बंगाल राज्य में मुर्शिदाबाद जिले का जंगीपुर सब डिविजन में पड़ता है। लो भाई मैं आ चुकी हूँ सागरदीघी और मेरा साइकिल का जो स्पीड है ना बहुत ही फास्ट है। मेरे पीछे जो लेक देख रहे हो, जो दीघी देख रहे हो, ये 988 से लेकर 1038 में इसका खोदाई किया गया था। पाल शासन काल में मोहिपाल देव ने इसका खोदाई किया था। 750 से लेकर 1170 वर्ष में सागरदीघी एक बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु था। ये दीघी आज के समय में खोदाई किया गया नहीं है, इसका एज आज के डेट में लगभग 450 यानी 450 वर्ष पुरानी है। मध्य युग यानी पाठान युग के शुरुआत में सागरदीघी एक इम्पॉर्टेंट स्थान था। सागर इसका अर्थ है सागर और दीघी इसका अर्थ है छोटा लेक या झील। ये झील लंबाई 1.5 किलोमीटर और चौड़ा 1 किलोमीटर। इस झील के केंद्र बिंदु में, इस झील का मिडिल पॉइंट में एक मंदिर है, ठीक है, वो पानी कम होने के बाद ही देखा जाता है। दीघी के बारे में हो गया और अभी मैं उसके बाद और भी कुछ अच्छे चीज़ है वो जाकर एक्सप्लोर करूँगा। ब्रिटिश समय काल से सागरदीघी में ये रेलवे स्टेशन है। आजमगंज सागरदीघी नौलाटी होकर हावड़ा और सागरदीघी आजमगंज काटवा होकर हावड़ा ट्रेन जाता करता है। पश्चिमबंग राज्य परिवहन निगम बहरमपुर सागरदीघी मणिग्राम रघुनाथगंज डेली बेस में बस जाता करता है। इसके अलावा 2 सरकारी बस सागरदीघी से छोड़ता है, एक जाता है सिलीगुड़ी, दूसरा जाता है बांका। सागरदीघी में एक कॉलेज है जो मेरे पीछे देख रहे हो, जंगीपुर केंद्र का एमपी तथा भारत का पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने इसका उद्घाटन किया था 2008 साल में। इस कॉलेज का नाम है सागरदीघी कामदा किंकर स्मृति महाविद्यालय, यानी इस कॉलेज का शॉर्ट फॉर्म है SKKS महाविद्यालय। ये कॉलेज बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत, अरबिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड दर्शन, एडुकेशन, ये सब सब्जेक्ट इस कॉलेज ने ऑफर करता। अब मैं यहाँ से सीधा सागरदीघी फील्ड जाऊँ। इसके अलावा सागरदीघी में 3 पॉपुलर हाई स्कूल है, एक है सागरदीघी SN हाई स्कूल, दूसरा है शेखदीघी हाई स्कूल, तीसरा है सागरदीघी गर्ल्स हाई स्कूल, और ये पुलिस स्टेशन भी है सागरदीघी। सागरदीघी में एक छोटा सा पार्क है और इस पार्क का एंट्री फीस 5 रुपीज। इस पार्क का नज़ारा कुछ इस तरह देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चे इस पार्क में खेल रहे हैं।
पार्क में मैं पहली बार एंट्री किया हूँ। पार्क में बगल में एक फील्ड है, सागरदीघी फील्ड, वहाँ मार्शल आर्ट सिखा रहा है। और ये देखो, दरअसल इस पार्क का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। तो गाइज, मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग शूट कर रहा था, तो यहाँ पर एक यूट्यूबर भाई मिल गया। तो भाई, तुम्हारा नाम बताओ। मेरा नाम अरिंदम मंडल है और मेरा एक चैनल है जो पॉटरिंग का है, तो उसका नाम है AR एडिट, जो 800K सब्सक्राइबर है अभी। एंड अभी ये भाई को भी सपोर्ट करो, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरिंदम मंडल फोटो एडिट का इनका चैनल है, तो फोटो एडिट के उनके पास कैमरा है DSLR। वो यहाँ पर शूट करने के लिए आया था और मेरे साथ मुलाकात हुआ, तो भाई के साथ मिलके बहुत ही अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा, और आप लोग सपोर्ट कीजिए इस भाइयों को, एंड वीडियो को मतलब शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, एंड इनको सपोर्ट करो। बहुत बहुत मेहनत की ज़रूरत है, एंड सपोर्ट करना भी आप लोगों को चाहिए। सागरदीघी एक्सप्लोर का छोटा सा वीडियो, आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। तो गाइज, वीडियो कर देते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक और फॉलो करो। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल करो, ताकि आने वाली सभी वीडियो का स्वाद ले सके। गाइज, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।